किसी के बस की बात नहीं थी। ठीक है, कश्मीर का मुद्दा कांग्रेस चली गई, हम मंडी से निकलते थे पेमेंट लेके तो रास्ते में घर तक पहुंचा थी पेमेंट की गुंडेगर्दी लेके चले। हमारे गांव में हर जगह अभी तक विद्युतीकरण 2017 के बाद हमारे गांव में विद्युतीकरण हुआ है। एक एक घर में 5,000 रुपए का तार डाल के हम लोग लाइट लेके आए थे, पार्टी के जिलाध्यक्ष उनकी मैसेज प्रधान में, तो हर जगह जो यादवों के टोटल गांव है उन सभी गांव में लाइटें लगवा रखी है। हमारे गांव में सिंह बघेल जी, हालांकि घर तो करेल साफदार कर रही है, नव गौशाला के 900 रुपए मैंने टीवी बातें देखो बोलते तो किने गौशाला किने मिल गए 900 रुपया। नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं ऐसे ही गुजर रहा था जनपद मैनपुरी में, गांव गांव भ्रमण कर रहा था लोगों की राय जानने के लिए कि चुनावी विश्लेषण कहाँ तक किस हद तक है, लोग वोट देंगे, वोट देने का मुद्दा जो आधार होगा वो क्या रहेगा, वही ग्रामीणों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी लोग मौजूद हैं। ये गांव का नाम है चित्रपुर, जो कि अगौता मौजा जनपद मैनपुरी का ही भाग है। यहाँ पर काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनके साथ बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बात किसकी सरकार। दादा आपका नाम क्या है? श्री किसान। आप थोड़ा ये बताए कि अब की बार किसकी सरकार, बड़ा सीधा और सरल जवाब दीजिएगा। सरकार तो मोदी की और योगी की है। अच्छा, उसका कारण क्या है, क्या उसका ध्येय है आपका? ये तो ये है, काम उन्होंने किए और कर रहे हैं। काम किस तरह के विकास कार्य, 2-3 विकास कार्य आप बता दें हमें जरा। अब राम मंदिर किसी के बस की बात नहीं थी। ठीक है, कश्मीर का मुद्दा कांग्रेस चली गई और वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। 370 ऐतिहासिक काम किए हैं जिनके जिसको भी जो है रेलवे सुधार करें। अच्छा, और भी कुछ कारण जो हो बताएं आप थोड़ा। मैं महंगाई के मुद्दे पर बात करें, महंगाई थोड़ी बढ़ी है कि कम हुई है थोड़ा? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई को क्या कर सकते, फ्री देना खाना, फ्री देना राशन और ये पैसा सब खेती के बारे में देना है किसान को, और इस तरह सा जो है वो खर्चा हो रहा है किसान के ऊपर। काफी लोगों को इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, काफी लोग ऐसे सारे जो आपकी भी निगाह पर होंगे, उसका क्या कारण रहा होगा कि वो लोग लाभान्वित नहीं हो सके? अब उसमें तो ये है, घर तुरंत को देखे एक आदमी, अब तमाम किसान के काम। कितने आदमी इसमें पात्र है, उसी के आधार पर बजट पास होता है, शुरू होता है, इसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता, उसका कारण क्या रहा होगा? नहीं, तो जो वहाँ से आता है वो पूरा मिलता है, परंतु इस तरह से कहीं जहाज खरीदना, कहीं हथियार खरीदना, कहीं कुछ ऐसे काम, क्या क्या एक आदमी कर सकता है? 900 रुपए गौशाला के लिए। हाँ हाँ बताइए। योगी सरकार साफदार कर रही है गौशाला के 900 रुपए मैंने टीवी बातें देखो बोलते तो किने गौशाला किने मिल गए 900 रुपया। जिसने गायों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिस तरीके से पूर्ण तरीके से काम नहीं किया, उसको कार्रवाई नहीं की गायों की, तो उसको मिल ही नहीं पाएगा। और रीजन ये है कि हमारी सरकार ने गुंडागर्दी का सबसे अच्छा प्लान किया है, जितना भी गुंडागर्दी हम मंडी से निकलते थे पेमेंट लेके तो रास्ते में घर तक पहुंचा पेमेंट की गुंडागर्दी लेके चले जाते थे गुंडा लोग। रीजन जो महंगाई की बात हम बात करें तो महंगाई तो बढ़ रही है, और जो भी एक्स्ट्रा बढ़ रही है उसके लिए मोदी जी ने 6,000 रुपए लगभग ईयरली दिया है। ये घर से नहीं लाए ना, वो खेती कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा में किया हुआ है, हमारे रोजगार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये जितना भी पैसा मिला ये हमारी टैक्स का है। हाँ, हमारी टैक्स का, हमारी जनता हम बिलड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक मनी कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं जिस तरीके से अदर पार्टियां करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जनता को किसी की बात है, टैक्स देने लायक है, व्यापारी से टैक्स वसूल कर रहे हैं और गरीबों में वितरण कर रहे हैं। दादा आपका नाम क्या है, आप लोग अपना नाम बता दें? जी, मेरा नाम चैम्पी सिंह चौहान है। आपका नाम क्या? ये बताइए, ये जो बात कह रहे हैं उनसे आप इतफाक रखते हैं? सही है, जो भी बात है सही है। हमारी बहन बेटी मतलब अधेरे अधेरे जाती थी, उनपे मतलब जो है गुंडागर्दी होती थी, वहाँ घूम रहे हैं। गुंडागर्दी को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? गुंडागर्दी आप लोग पढ़ने जाते तो कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अच्छी सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हमारे पीछे अगर 200 मीटर पुल है नहर का, उससे पीछे पुल था, उसके भी आज से जब श्री सरकार थी उस टाइम
दिन में लूट कर ली गई तुम्हारी महिला। दलपुरा गांव से आती हुई महिला अपनी बेटी को लेके आ रहे थे दलवीर सिंह, उनको दिन में 4 बजे यहाँ पे लूट कर ली गई थी 100 मीटर की पिछाड़े पे, जहाँ पे चारों तरफ से जनता रहती हुई थी। इसके बारे में इतनी सराहना करें गुंडागर्दी के बारे में, सपा का दोबारा ना आना, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी इनको खा गई। हाँ हाँ, जो भी है मैं इस सरकार की बार बार सराहना करूंगा कि इस सरकार पे गुंडागर्दी की बात करें तो इससे अच्छा कोई राज्य नहीं आया। गुंडागर्दी की बात करें सरकार ऐसी कोई सरकार नहीं चली अभी। सपा आरोप लगा रही है कि सपा ये आरोप लगा रही है कि आगे पैसे वाले जो है, देखिए बोले कैमरे सामने, जो आदमी जैसा धनवान है वो धनवान होता जा रहा है, लेकिन हमारी निगाह में नहीं है सर। अभी तक आदमी धनवान के पास जाता था कि मुझे कर्ज दे दो, गेहूँ दे दो, अब कोई जाता ही नहीं। क्यों मोदी इतना देते हैं हमारे हमारे पास, जैसे गरीब आदमी के पास गेहूँ वो पैसे वाले के पास जाता था, मेरे को दे दो। इस सरकार से किसान कितना खुश है? अब किसान फसा ही है, काफी लोगों की ये कमिटमेंट रहते हैं कि जो हमारा पशु है, हमारा पशु की बात है, आप भी देखते हैं सड़कों पे हमारा पशु घूमते बैठ जाते हैं, वो किसान की फसल को तो किसान ने दो ही उसके जिम्मेदार आप हम लोगों को सब लोग मानते हैं। जो किसान ने दो ही ढील दें, जो मोदी ने मोदी ढील दें, लोग ही ढील दें, हमें लोग सोच रहे हो ढील दें क्या होना, तो हमारी ये खेती। आप युवा हैं, रोजगार के मुद्दे बात कर लेते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने कितना काम किया है? मेरा नाम अविनाश है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर से है तो यही कर्म भूमि दोनों से आ गया हूँ, वहीं से बिलोंग करते हैं, यहाँ से जॉब कर रहा हूँ। किस पद से जॉब कर रहे हैं? मैं रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं उधर का ही बता सकता हूँ, इधर का बता सकता हूँ। 2 साल से आप गुंडागर्दी तो जो ये पॉइंट उठाए थे गुंडागर्दी तो बिल्कुल कम हो गया, और रोजगार की बात है इसमें थोड़ा सरकार में थोड़ा ज्यादा पेपर टू लीक आउट हुआ, कई अभ्यर्थी बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे इसमें बढ़ती जाएगी, हालांकि क्वालिफाई एग्जाम था, इसका लीक हो जाना इतनी व्यवस्था की वो भी साफ साफ लीक हो जाना, इसका इस सरकार पर कितना असर पड़ेगा? यही थोड़ा एक माइनस पॉइंट हो गया है, बाकी और तरीके से सही है। मतलब जैसे योगी जी को माना जाता है कि पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ काम करवाते हैं, लेकिन ये इतने प्रशासन होने के बावजूद ये पेपर लीक हो जाता है, उससे अपनी कार्रवाई भी करते हैं। अगर लीकेज थोड़ा ये लोअर मैनेजमेंट की भी कमी है, योगी सरकार तो हमारी कर्मचारी हम और आप हैं, इसमें हम और आप कहीं ना कहीं कमी छोड़ते हैं, इसकी वजह से पेपर लीकेज होते हैं। ना मोदी लीकेज करने आता, ना योगी लीकेज करने आता, कहीं ना कहीं सिस्टम में हम सिस्टम हम और आप चला रहे हैं। नहीं नहीं, इससे दस्त नहीं होगा, इससे तुरंत ही कड़ी रिपेयर होगा, इससे बिल्कुल दोबारा से एग्जाम होगा। नहीं, अभी सरकार की कोई कमी नहीं है, ये हमारे हम कर्मचारी हमारे जैसे कर्मचारियों की कमी है जिससे ये सारे लीकेज होते हैं, लेकिन उनके सरकार को हम बहुत महत्वपूर्ण जी चीज देते हैं कि उससे द्वारा उसके कड़ी वो करते हैं, उसके बाद जो भी गलत काम करता है उसको सजा मिलती है, वो उसके लिए आगे से उसका रोक होती है। संविधान में सजा का तो प्रावधान है ही, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है कि देश में जितने भी अभ्यर्थी, कोई भी काम अगर बनाया जाता है उसका विपक्ष पहले तैयार होता है, कोई भी हम कोई भी सिक्योरिटी करें लीकेज पॉइंट पहले तैयार रहता है, तनाव रहता है जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, जो उनमें हर सरकार की अपेक्षा दंडनीय दंड दिया जाता है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कंट्रोल नहीं होता था, कंट्रोल की कोई सुविधा नहीं थी। इस टाइम जो हमारा चल रहा है पीरियड, इसमें कोई गलती करता उसको सजा मिलती है और आगे सुधार का कोशिश हो जाती है, सुधार होता है, सरकारों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस सरकार लगता ये है विकास को देखते हुए बीजेपी सरकार आने वाली है, आपको लाभ इसमें जो भी है वो मिले हैं, आपको मिले हैं, इसमें बिचौलियों ने कोई चीज नहीं खा पाई है, इसमें पूर्ण तरीके से किसान को लाभ मिला है। लोग आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर लो, जबकि फॉर्म भराने जाते तो लेखपाल द्वारा या अन्य अधिकारी द्वारा 300-400 रुपए फॉर्म लिया जाता है, और जो देता नहीं है उसका नहीं हो पाता। काफी लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं हो पाया या बीच में किस्त रुक गई या कुछ भी, अब देखो हमारे सिस्टम की कमी से जैसे आधार कार्ड जनरेट नहीं हो पाया, केवाईसी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। हाँ, तो वो ही, लेकिन हमारे कर्मचारियों में इस तरह के रिश्वत लेने के कोई कारण नहीं है, ना आज तक किसी कर्मचारी ने मुझसे मांगा, या हमसे जुड़े हुए लोग हैं इनमें जब से रिश्वत का कोई काम खत्म हो चुका है, अब ऑनलाइन का सिस्टम। प्रधानमंत्री आवास योजना में दलालों ने अपनी एक बोली लगा दी थी कि 50,000 वो हमारे ग्राम प्रधानों की वजह से रहा है, जो हमारे ग्राम प्रधान रहे मानते हैं ना कमी, क्योंकि ग्राम प्रधान भी सरकार का ही एक अंग होता है। नहीं, ग्राम प्रधान होते तो
हैं लेकिन कोई किसी पार्टी के बन जाते हैं, किसी पार्टी के बन जाते हैं, जो अदर पार्टी के लोग होते हैं भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए उन चीजों में इसमें ये करते हैं, इसमें बदनाम सरकार को करने के लिए उसमें दुराचार का प्रयोग करते हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते। सब प्रधानमंत्री जी के ये या सब समाजवादी के ये या बसपा के सारे हैं। अच्छा, गाँव का विकास आपके गाँव का विकास ग्राम विकास के लिए बहुत संतुष्ट है बिल्कुल पूर्ण तरीके। इससे पहले पिछली सरकार थी या इससे हमारे अदर पार्टी के अगर हमारे प्रधान जी हुए हैं, आज तक मेरे लाइट हर गांव में लाइट पहुंच गई, मेरे गांव में लाइट नहीं पहुंचती थी, लेकिन प्रधान जी के विद्युतीकरण हुआ है तो हमारी एक बीजेपी सरकार ने किया है, घर घर लाइट दी है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस गाँव को कितना लाभ? पूर्ण तरीके से लाभ मिला हुआ है, पूर्ण तरीके से मेरे गाँव में पूर्ण तरीके से काम चल रहा है, मैं इतना संतुष्ट हूँ। अगर विकास की बात करें तो इससे पहले कोई, आज 70 साल हो गए हैं पूरी सरकार को निकले हुए, आज तक मेरे गाँव कोई नहीं जानता था किसी तरह, ना तो विद्युतीकरण के बारे में, ना तो परमान के बारे में। अब तो मीडिया भी पहुंच रही है, अब तो मीडिया भी पहुंच रही है। इससे पहले मीडिया को हमारे गांव में लोग जानते नहीं थे, क्या आएंगे, कैसे बात करेंगे, क्या पूछेगी मुझसे। मीडिया का पहुंच रहा कहीं ना कहीं, आप मानते हो कि विकास कर रहा है? बहुत बहुत इस वजह से हम खुश हैं, मीडिया आई तो आगे हम अपनी उछाल ले सकते हैं, अपनी बात पहुँचा सकते हैं। 17 से पहले क्यों नहीं? 17 से पहले कोई देखते नहीं, क्योंकि हम उनके समाज से नहीं आते ना, अपने समाज का विकास करते। कौन कौन जो आगे की पूर्व सरकार थी वो अपने सरकार अपने समाज का विकास करते थे, क्योंकि हम उनके समाज से नहीं आते थे, जो उनके समाज के दर्द थे उनके। तो आप राजनीति को मानते हैं कि ये परिवारवाद और जातिवाद के ऊपर ही उनका? बिल्कुल बिल्कुल, परिवारवाद के बाद, परिवारवाद पे चलता था उनका 100%। हमारे गांव में नहीं आया, हमारे गांव में हर जगह अभी तक विद्युतीकरण 2017 के बाद हमारे गांव में विद्युतीकरण हुआ है। एक एक घर में 5,000 रुपए का तार डाल के हम लोग लाइट लेके आए थे अपने गाँव में, विद्युतीकरण नहीं था उसके बाद हुआ। और फिर भी ये देखो रोड आप देख रहे हैं, सफाई की उधर से आई है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उधर डबल रोड है, सभी रोड है, चौड़ी रोड है, भाई बहुत परेशान होके अभी। हाँ हाँ, इस रोड की भी बात करिए, इस रोड की भी बात। मगर आप पीछे से आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का गाँव है जो पीछे से आप आए हैं, और उस गांव के लिए तो आरोप है कि भाजपा ने नहीं दिया, इसलिए समाजवादी। तो उससे पहले उनकी सरकार थी ना, अभी तक क्या करते रहे वो? इससे पहले तो भाजपा 14 साल बाद आई है इस क्षेत्र में, 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में। अपनी कमी तो कोई बता नहीं चाहता ना, अपनी कमी तो कोई बता नहीं चाहता। नहीं, हाँ, वो अपनी कमी वो छपा रहे हैं ना। और उस गांव के लिए पहले से विकास था, उस गांव के लिए चारों तरफ से तालाब था, आज की डेट में उन्होंने हर जगह से अपनी रोड डलवा रखी है। अभी भी हमारे गांव में आप जाइए, प्रधान जी भी हैं वो हमारे, जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनकी मैसेज प्रधान में है, तो हर जगह जो यादवों के टोटल गाँव है उन सभी गाँव में लाइटें लगवा रखी है, हमारे गाँव में कोई लाइट नहीं है अभी तक। और जो अपने जितने क्षेत्र में इधर विकास किया है सब समाजवादी पार्टी के लोग। तो उनसे कहा गया प्रधान जी भाई हमारे यहाँ लाइट नहीं लगवाओ? नहीं, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं लगवाएंगे। तो क्या क्या तरीका आपके पास? अब फिर हम देखेंगे, हमारे पास भी कोई निधि आई, अभी तक हमारे पास कोई निधि नहीं थी। आपको भानु चौहान यही रहते हैं आप जी? आप बताएं हमें, इस जो पूर्व सरकार थी भाजपा, उससे आप कितने खुश हैं और आगे क्या उसको लाने का प्रयास दमदार आएगी? बिल्कुल नहीं करेगी हमारी, इसके अलावा वोटर जो है किस आधार पर उनको वोट दे? हमने 85 किया है, जैसे थोड़ा पता है हमें, अभी उन्होंने विकास किया है। योजनाओं के बारे में बताया जाए तो उनके जो समाजवादी पार्टी लोग हैं उनके पास हमसे ज्यादा योजनाएं पहुंची हुई है। विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी ने अभी तक नहीं कर पाया वो बीजेपी ने करके दिखाया है, मगर उसमें पक्षपात नहीं है, उसमें सिर्फ हमारे गांव में हमारा विकास नहीं हुआ, अदर गांव में भी हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये तो अच्छी बातें हो गई, हम ये अगर कहें कि भाजपा सरकार की क्या कमियां हैं तो उसमें क्या बताएं? नहीं, मेरे हिसाब से कोई कमी है ही नहीं, आपके हिसाब से कोई कमी? कोई कमी नहीं है, और यदि कोई विरोधी बताना भी चाहे कोई तो उसे उसको कोई कमी नहीं, कोई पक्षपात ही नहीं किया है मेरी गवर्नमेंट ने। अभी कुछ कह रहे थे बताइए हाँ बिल्कुल, दोबारा वोट नहीं देंगे आप? बिल्कुल देंगे, पूर्ण बहुत सरकार आएगी। यादव जी जाटव जी, चलो ठीक है, बस जाटव अच्छा, हमने बसपा को जाते हुए देखा है, लेकिन भाजपा मानने का कारण क्या है? ये कारण क्या है? काम बढ़िया है, राशन वगैरह और लाइट वगैरह। तो आप क्या करते, क्या है आप?
खेती किसानी करते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपके खाते में 2000 रुपए जो दी जाती है वो आई है? ये बताइए, नाम खेती थी। अच्छा, उनके नाम पे आई है? उनके नाम पे आई तो सीधी बात आई है आपके, है ना। अच्छा, और भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी सारे लोगों में प्रश्न है, उन प्रश्नों को ग्रामीणों के समक्ष रखेंगे और जानेंगे कहाँ तक वो इस बात से आश्वस्त है कि आएगी तो योगी सरकार ही। इस बात को हम भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे भी बात जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव नाम क्या है आपका, किसको बुला रहे हैं आपके पास? मोदी डबल इंजन की सरकार है तो आदमी ये कन्फ्यूजन हो जाता है मोदी के नाम में कि योगी का, सेंटर पे मोदी है तो कैसे योगी का। अच्छा, उसका क्या कारण रहेगा, क्या कारण रहेगा? कारण हम दो कारण जानना चाहें तो वो बताएं आपको। नहीं, कुछ आधार होता है, किस बेस पे लाना चाहोगे? किसी को वोट देते हैं तो हमारे मन में कुछ सकारात्मक बात होती है। गुंडागर्दी साम्राज्य में गुंडागर्दी से परेशान आप भी थे, ये सभी लोग, आप सभी लोग भुक्तभोगी हैं। हमारे इस रोड पे 8 बजे के बाद हम लोग गाँव नहीं आ पाते थे, 8 बजे के बाद गाँव नहीं आ पाते ये स्थिति रहती थी। आज की डेट में आप रात में 12 बजे 2 बजे, हम रात को 1 बजे इटावा से बाइक से आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर ट्रैफिक क्रॉस करने में बहुत काफी दिक्कत होती थी। तो सबसे बड़ा यही मुद्दा रहेगा, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, सबसे बड़ा ये मुद्दा है। और मैं मानू कि इसी मुद्दे पर योगी सरकार वापस आ रही है। हाँ, कुछ कहना चाहते थे आप? ये कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले अगर विवाद होता था समाजवादी किसी के पर्सन से तो आप लोग की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी, तो आपको जिस तरह दलितों को सताया जाता है उसी तरीके से सताया जाएगी। आज भी कल हम लोग करैल में थे, हमारे प्रत्याशी जो एसपी सिंह बघेल जी आए हुए हैं उनको करैल में पैदल मार्च निकालने से रोका जा रहा था सफा गुंडों से, और जो उनके समर्थक जो करहल से निकले हुए थे वो कर रहे थे कब तक आपके मंत्री जी आपके साथ रहेंगे, मंत्री जी को जाने दो उसके बाद देखता हूं। तो करहल से आप बातें हरप्रीत सिंह बघेल जी आ रहे हैं? जी, हालांकि गढ़ तो करहल नहीं, नहीं गढ़ नहीं है, गढ़ गड्ढा हो चुका है, गढ़ नहीं है, गढ़ नहीं है यहाँ पे, अब गढ़ गड्ढा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री है मोदी जी के मंत्री जिनको कहते हैं, उनको उतारा हुआ है। अखिलेश जी को करारा जवाब, धूल चटाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने लोगों की राय जानी, हर तरह की बात जानी, रोजगार के ऊपर बात जानी, यहाँ पर राशन के ऊपर बात लोगों ने रखी, आवारा गोवंश के ऊपर बात रखी। तो यहाँ पर हर किसी से औसतन रूप से गोवंश 10% खा रहा है, मोदी जी 50% दे रहे हैं। यहाँ पर जो है औसतन रूप से लोग संतुष्ट दिखाई पड़े और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है कि वापसी में फिर योगी सरकार आएगी। आप देख रहे थे प्रतीक तिवारी के साथ, कैमरा मैन के साथ राम को लाए हैं हम उनको।